Good morning, students. So, what we'll do today in this class? Today, in this class, we'll revise our chapter number 6th. Okay? इस क्लास में हम लोग अपना जो चैप्टर नंबर 6th जो है उसका रिविजन करेंगे. ओके? एंड आर चैप्टर 6th इज सिंगुलर एंड प्लूरल, वन एंड ओनली. कि सिंगुलर क्या होते हैं और प्लूरल क्या होते हैं, वन एंड मैनी. कि सिंगुलर तो होते हैं वन एंड प्लूरल होते हैं मैनी. कि जो नाउन वन के लिए स्टैंड करता है, ओके, जो नाउन वन पर्सन प्लेस या एनिमल या थिंग के लिए ओनली वन स्टैंड करता है वो होता है सिंगुलर. एंड मोर देन वन के लिए अगर कोई नाउन, मोर देन वन पर्सन प्लेस एनिमल या थिंग के लिए अगर कोई नाउन स्टैंड करता है तो वो होता है प्लूरल. ओके, मोर देन वन मतलब मैनी, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या उससे भी ज्यादा. ओके, अगर इस इनके लिए अगर कोई नाउन स्टैंड करता है तो वो होता है प्लूरल. डेफिनेशन क्या है सिंगुलर की? व्हेन अ नाउन इज यूज्ड फॉर वन पर्सन एनिमल और थिंग इज सेड टू बी सिंगुलर. कि वो नाउन जो ओनली वन पर्सन एनिमल या थिंग के लिए स्टैंड करता है वो क्या होता है? सिंगुलर. क्या होता है बेटा? सिंगुलर. ओके, और जब कोई नाउन मोर देन वन के लिए, मोर देन वन मतलब वन से ज्यादा. ओके, मोर देन वन मतलब वन से ज्यादा, जैसे 2, 3, 4, 5 या इससे ज्यादा. अगर इतने मोर देन वन पर्सन एनिमल या थिंग के लिए स्टैंड करता है इट इज सेड टू बी प्लूरल. तो उसे क्या कहा जा सकता है बेटा? प्लूरल कहा जा सकता है. डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ नाउन इज सेड यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्सन एनिमल और थिंग इज सेड टू बी प्लूरल. ओके, वो क्या कहा जा सकता है? उसे प्लूरल कहा जा सकता है. ओके, जैसे वन के लिए ओनली कैट यूज किया जाता है, लेकिन अगर 2 या 3 या 4 हो कैट्स तो क्या यूज करेंगे? कैट्स. वन सिंगुलर है तो कैट, प्लूरल है तो कैट्स. सिंगुलर है तो कैट, प्लूरल है तो कैट्स. सिंगुलर है तो बोल, ओनली वन है तो बोल, और अगर मोर देन वन है प्लूरल है तो बॉल्स. ओके, फिर आते हैं हमारे पास रूल्स ऑफ कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल. कि सिंगुलर को अगर हमें प्लूरल में चेंज करना है तो उसके क्या क्या रूल्स होते हैं? ओके, बेटा अगर कोई सिंगुलर नाउन है उसे प्लूरल में चेंज करना होता है तो उस नाउन के साथ एस या ई एस यूज किया जाता है. ओके, एस या ई एस यूज किया जाता है. जैसे टू चेंज सिंगुलर इंटू प्लूरल एड एस एट द एंड ऑफ द नाउन. आपको एस एंड मतलब एस को आपको एड करना है. जैसे गर्ल गर्ल्स एस आ रहे हैं, बैग बैग्स एस आ रहे हैं, डॉग डॉग्स एस आ रहे हैं. ओके, तो सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने पर यहां एस का यूज किया हुआ है. ओके, नेक्स्ट, अगर आपको सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर रहे हो आप जो नाउन है उसे, तो अगर नाउन के लास्ट में ओ एस डबल एस एस एच सी एच या एक्स आता है तो ऐसे नाउन्स के साथ ई एस का यूज होता है. जैसे डी आर ई डबल एस, ये जो नाउन है ये डबल एस से एंड हो रहा है. जो नाउन डबल एस से एंड हो रहा होता है उसके साथ में प्लूरल में चेंज करते वक्त ई एस यूज किया जाता है. तो ड्रेसेस, ब्रश एस एच आ रहा है लास्ट में, एस एच आ रहा है उनके साथ क्या यूज किया जाता है? ई एस. ओके, तो ब्रश एस एच आ रहा है प्लस ई एस, ब्रशेज. ओके, बॉक्स लास्ट में एक्स आ रहा है. ओके, एक्स आ रहा है तो प्लस ई एस, बॉक्सेस. ओके, इस तरह से हम ई एस का यूज कर सकते हैं.
देन आपके पास वर्क ड्रिल में क्वेश्चन में क्या है कि आपको जो डायग्राम्स आपको दिखाए हुए हैं उनको अगर आपको सिंगुलर में पता करना है तो क्या होगा, इन प्लूरल में करना है तो क्या होगा। जैसे फैन के लिए सिंगुलर फैन, अगर एक ही फैन हो तो फैन, अगर मोर देन वन हो तो फैंस, FANS, फैंस। नेक्स्ट बुक, बुक्स। रोज, रोजेस। डॉग, डॉग्स। ओके, इसी तरह से आपको ये चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी में क्या है, जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं ये सिंगुलर में दिए हुए हैं, आपको प्लूरल में चेंज करते हुए इन्हें राइट डाउन करना है। ओके, देन नेक्स्ट रूल आता है हमारे पास कि जो नाउन हम चेंज कर रहे हैं, ओके, सिंगुलर टू प्लूरल में जो नाउन हम चेंज कर रहे हैं उसमें अगर लास्ट में वाई आता है तो y को हटाकर उसकी प्लेस पर प्लूरल में चेंज करते वक्त i किया जाता है प्लस es, ओके? जैसे बेबी, बेबी क्या है, सिंगुलर है, बेबी क्या है, सिंगुलर, प्लूरल में चेंज करते वक्त क्या करेंगे, y को हटाएंगे, y की प्लेस पर i यूज करेंगे प्लस es, बेबीज। पार्टी, y आ रहा है, ओके, i यूज करेंगे प्लस ES, प्लूरल में चेंज करते वक्त, तो PARTIES, पार्टीज। ओके, फिर कुछ ऐसे स्पेशल नाउंस या डिफरेंट नाउंस होते हैं जिनको अगर सिंगुलर टू प्लूरल चेंज करते हैं तो उनकी स्पेलिंग्स में चेंज होता है। ऑक्स, ऑक्सन। टूथ, टिथ। वुमन, वुमिन। मैन, मैन। चाइल्ड, चिल्ड्रन, कि इनकी स्पेलिंग्स में ही इनको कन्वर्ट कर दिया गया है, चेंज हो चुका है। ओके, फिर आती है हमारे पास वर्क ड्रिल। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या करना है, जो सुटेबल वर्ड है उसे आपको टिक करना है। ओके, क्वेश्चन सेकंड में क्या करना है, अगर जो गिवन सेंटेंस, सॉरी गिवन जो नाउन है वो सिंगुलर है तो आपको ओ राइट करना है, एंड अगर प्लूरल है तो एम राइट करना है, वन या मेनी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ई में क्या है, सिंगुलर टू आपको प्लूरल कन्वर्ट करना है। ओके, क्योंकि हम लोगों ने अब तक इस चैप्टर में सिंगुलर टू प्लूरल में कन्वर्ट करना सीखा है। सो अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है रिलेटेड टू आवर चैप्टर 6, यू कैन आस्क टू मी। ओके, बाय।